खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का DMD न्यूज़ में खैर मकदम है। ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन, तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए 30 नवंबर को पोलिंग, 5 रियासतों का किया गया शेड्यूल जारी। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो गया है। तेलंगाना में एक ही मरहले में पोलिंग 30 नवंबर को होगी, 3 दिसंबर को वोटों की गिनती और 5 दिसंबर तक इंतखाबात का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना के अलावा 4 रियासतों में इंतखाबी बुगल बज चुका है। मरकजी इलेक्शन ने रियासत तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही इन 5 रियासतों में इंतखाबी जाब्ता नाफिज हो चुका है। इस मौके पर CEC राजीव कुमार ने बताया कि हम 5 रियासतों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर रहे हैं। हमने 40 दिनों से 5 रियासतों का दौरा किया और हमने 5 रियासतों के अहदेदारान और पार्टी लीडरान के साथ खुसूसी बातचीत की। हमने मुख्तलिफ सियासी जमातों से राय मशवरा भी किया। इन्होंने कहा कि हम इन 5 रियासतों के इंतखाबात के लिए पिछले 6 महीनों से बड़े ही कड़े अंदाज में मशक कर रहे हैं। CEC ने कहा कि तेलंगाना में 119 असम्बली सीटों, छत्तीसगढ़ में 90, मिजोरम में 40, राजस्थान में 200 और मध्य प्रदेश में 230 असम्बली सीटों के लिए इंतखाबात होने जा रहे हैं। 5 रियासतों में जुमला 679 सीटें हैं। वाज़ेह है कि मिजोरम असम्बली हलके की मुद्दत 17 दिसंबर, छत्तीसगढ़ की 3 जनवरी, मध्य प्रदेश 8 जनवरी, राजस्थान की 14 जनवरी और तेलंगाना असम्बली की मुद्दत 18 जनवरी को ख़त्म होगी। पेश है हमारी नुमाइंदा रिपोर्टर सैयद अब्बास रजवी की DMD न्यूज़ के लिए ये खसूसी रिपोर्ट। Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of gazette notification being 3rd of November and the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule and again I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much.